बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम चूज़ करेक्ट मीनिंग्स कर रहे हैं, जो कि टेंथ क्लास के इंग्लिश के पेपर में ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 4 मार्क्स के आते हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। टोटल 15 एमसीक्यूज हैं, तो आपने ये टेस्ट करना है, लेकिन पहले आपने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक की जो ग्लासरी है और रिव्यू 1 है या एक्सरसाइजेज के अंदर जो वर्ड्स मीनिंग्स दिए गए हैं उनको तैयार कर लें, फिर उसके बाद टेस्ट लें, तो फिर चेक करें कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, यानी 15 में से आपके कितने मार्क्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, एमसीक्यू नंबर 1। इसको तवज्जो से पढ़ें और करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें। द वर्ड इक्विटेबल मीन्स वर्स, रिवेंजफुल, सेल्डम, फेयर। यू हैव जस्ट 10 सेकेंड्स। ओके, द वर्ड इक्विटेबल मीन्स फेयर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। मुनसिफाना, गैर जानबदाराना, एडजेक्टिव है। जो भी वर्ड्स जिनके एंड पर ए बी एल ई लगा होता है वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इक्विटेबल मीन्स फेयर, साथ साथ टिक करते जाएं, अगर क्रॉस गलत हो गया तो क्रॉस करते जाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। नंबर 2, द वर्ड फो मीन्स कंपेनियन, एनिमी, फ्रेंड, फोर फादर्स। जी, द वर्ड फो मीन्स एनिमी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फो मीन्स एनिमी। नंबर 3, जी, द वर्ड लूनर मीन्स रिलेटिंग टू द स्टार्स, रिलेटिंग टू द मून, रिलेटिंग टू द सन, रिलेटिंग टू द अर्थ। जी, द वर्ड लूनर मीन्स रिलेटिंग टू द मून, जैसे लूनर कैलेंडर होता है, कमरी तकवीम, रिलेटिंग टू द मून। नंबर 4, द वर्ड ट्रेड्स मीन्स वीकनेसेस, फॉल्ट्स, करैक्टरिस्टिक्स, वीक पॉइंट्स। ओके, द वर्ड ट्रेड्स मीन्स करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। नंबर 5, द वर्ड इन्फेक्शन मीन्स स्टिकी, सबस्टांस, अटैक ऑफ जर्म्स, मेडिसन। जी, द वर्ड इन्फेक्शन मीन्स अटैक ऑफ जर्म्स, अफूनियत, जरासीम, जदगी जिसे उर्दू में कहते हैं, जरासीम, जदगी, अफूनियत, ये द इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट्स जो होते हैं, उनका जो हमला होता है उसे कहते हैं इन्फेक्शन, अफूनियत या जरासीम जदगी। बुक में लिखा हुआ है द एजेंसी बाय विच द डिजीज इज ट्रांसमिटेड, लेंथी है तो उसको इतना बड़ा नहीं लिखते, शॉर्ट करके लिख देते हैं, अटैक ऑफ जर्म्स, अटैक ऑफ जर्म्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म्स, जो जरासीम में का हमला, उनका उनमें इजाफा, इसे कहते हैं इन्फेक्शन हो जाना। नंबर 6, द वर्ड एक्सेसिबल मीन्स डिनाइबल, लामेबल, एक्सेप्टेबल, रीचेबल। द वर्ड एक्सेसिबल मीन्स रीचेबल, काबले पहुंच, काबले रसाई, रीचेबल, एक्सेसिबल मीन्स रीचेबल। नंबर 7, द वर्ड ब्रॉडकास्ट मीन्स ट्रांसमिट, कलेक्ट, गैदर, सेपरेट। ओके,
वर्ड ब्रॉडकास्ट मीन्स, द वर्ड ब्रॉडकास्ट मीन्स ट्रांसमिट, मुंतकिल करना, नशर करना। नंबर एट, द वर्ड स्किप मीन्स नॉट डू एनीथिंग, फॉरगेट, रिमेंबर, रिटेन। द वर्ड स्किप मीन्स, द वर्ड स्किप मीन्स नॉट डू एनीथिंग, यानी कोई काम ना करना, यानी अखबार पढ़ रहे हैं तो कोई खबर जो है उसको छोड़ देना, उसको ना पढ़ना, कोई और खबर पढ़ना, स्किप कर देना, छोड़ देना, नॉट डू एनीथिंग, लीव जिसे कहते हैं। नंबर नाइन, क्विट कर देना, ओमिट कर देना, लीव कर देना। द वर्ड ओ मीन्स, द वर्ड ओ डब्ल्यू ई ओ मीन्स, ओ पढ़ते हैं इसको, द वर्ड ओ मीन्स टेक, स्नैच, गिव, स्पेंड। द वर्ड ओ मीन्स गिव, जैसे आई हैव टू ओ यू अ गिफ्ट, मैंने आपको एक तोहफा देना है, ओ मीन गिव, देना। नंबर टेन, द वर्ड फर्म मीन्स एक्सपेंसिव, पावरफुल, परसिस्टेंट, वेवरिंग। द वर्ड फर्म मीन्स, द वर्ड फर्म मीन्स परसिस्टेंट, जो साबित कदम रहता है, जो अपनी बात पे डटा रहता है, और वेवरिंग जो होता है ये कमज़ोर को कहते हैं, डगमगाता हुआ, परसिस्टेंट। नंबर 11, द वर्ड गैदरिंग मीन्स रनिंग अवे, फाइटिंग विद ईच अदर, स्टीलिंग थिंग्स, कमिंग टूगेदर ऑफ पीपल। द वर्ड गैदरिंग मीन्स कमिंग टूगेदर ऑफ पीपल, गैदरिंग इकट्ठे होना लोगों का, कमिंग ऑफ पीपल टूगेदर, या कमिंग टूगेदर ऑफ पीपल। नंबर 12, द वर्ड इंग्रेडिएंट्स मीन्स एनिमीज, कंपोनेंट्स, फ्रेंड्स, ट्रेट्स। द वर्ड इंग्रेडिएंट्स मीन्स कंपोनेंट्स, अज्जा जिनसे मिलकर कोई चीज बनती है, इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट्स पार्ट्स अज्जा। नंबर 13, द वर्ड कवरेज मीन्स ब्रॉडकास्टिंग, कलेक्टिंग, अचीविंग, गैदरिंग। द वर्ड कवरेज मीन्स ब्रॉडकास्टिंग, द वर्ड कवरेज मीन्स ब्रॉडकास्टिंग, यानी खबरों को नशर करना, उनकी नशरो अशात इहाता। नंबर 14 जी, द वर्ड एंटरटेन मीन्स एंटरटेनमेंट मीन्स परफॉर्मेंस दैट पीपल एन्जॉय, द थिंग्स दैट पीपल सी, परफॉर्मेंसेस दैट पीपल डू, द थिंग्स दैट पीपल हेट। जी, द वर्ड एंटरटेनमेंट मीन्स परफॉर्मेंसेस दैट पीपल एन्जॉय, परफॉर्मेंसेस दैट पीपल एन्जॉय, तफरी, एन्जॉयमेंट। 15 एंड द लास्ट, प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, इट इज कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेज। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, प्रायर को अंडरलाइन किया गया है, प्रायर का क्या मीनिंग्स होता है, फॉलोइंग, सबसीक्वेंट, प्रीसीडिंग, नेक्स्ट। जी, प्रायर का मतलब होता है
प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग क्या होता है, पहले, प्रीवियस, लास्ट, उसे पहले वाला, पहले वाला, प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, यानी नए साल के दिन से पहले, एक दिन पहले, प्रीसीडिंग, प्रायर, प्रीसीडिंग, फॉलोइंग और सबसिक्वेंट तो होता है बाद में आने वाला जो। ओके, तो इस तरह हमने ये आज एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वर्ड्स मीनिंग्स की कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह की और भी वर्ड्स मीनिंग्स रहते हैं, तो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उनमें हम और वर्ड्स मीनिंग कवर करेंगे। तकरीबन जितने भी ग्लासरी के अंदर में हैं या टेक्स्ट बुक्स के एक्सरसाइज के अंदर हैं या रिव्यू में हैं, तमाम जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं इंशाल्लाह वो तमाम की वीडियोस बनेगी ताकि आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। ओके, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।